दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर एनपीके 0534 के बारे में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फसलों की कौन कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए, प्रॉपर डोज क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है यूज करने का, कंप्लीट जानकारी कवर करेंगे वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर एनपीके 0534 के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। दोस्तों एनपीके 0534 जो मेरे पास है ये है ग्रोमोर कंपनी का। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, सभी का सेम वर्क होता है। एनपीके 0534 को मोनो पोटेशियम फास्फेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आता है दोस्तों, अगर इसके कंपोजिशन देखें, वाटर सोलेबल फास्फोरस आता है इसमें 52%, वाटर सोलेबल पोटेशियम आता है 34%, उसके अलावा NaCl सोडियम आता है इसमें 0.5%। यानी कि इसमें मेन जो कंटेंट आता है वो आता है फास्फोरस और पोटेशियम, इसलिए इसको मोनो पोटेशियम फास्फेट कहते हैं। नाइट्रोजन इसमें 0% आता है, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं आता है। अगर इसके बेनिफिट की बात करें कि इसको फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट फसलों में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों मैं कंबाइंड कवर करूंगी क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों है, तो दोनों का कंबाइंड मिला के क्या बेनिफिट आपकी फसल में होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों की फसल की जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। जड़ों का विकास होगा तभी ज्यादा पोषक तत्व को अपटेक कर पाते हैं पौधे और फसल हरी भरी रहेगी। ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे तो फ्लावर्स ज्यादा आएंगे, ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी, फ्रूट की साइज अच्छी बनेगी। तो उसके लिए है कि जड़ों का अच्छा विकास होना चाहिए, तो इससे जड़ों का अच्छा विकास होता है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है। उसके बाद में फ्लावर्स ज्यादा आएंगे, फल फूल ज्यादा आएंगे, जो फल लगेंगे उनकी साइज प्रॉपर बनेगी, शाइनिंग अच्छी आएगी, एक प्रॉपर जो टेस्ट होता है फल का वो बहुत ही अच्छी बने, और साथ ही फसल के तने में मजबूती मिलेगी, यानी फसल जो गिर जाती है तो फसल गिरेगी नहीं, ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दाने हैं जैसे गेहूं धान वगैरह में आप यूज करते हैं, तो दाने की प्रॉपर साइज प्रॉपर शाइनिंग अच्छी आती है। दाल वाली फसलों में यूज करेंगे तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी बनेगी, स्टार्च की मात्रा अच्छी बनेगी। कंद वर्गीय फसलों में यूज करते हैं तो कंद की साइज अच्छी बनेगी। इस प्रोडक्ट में दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम है तो दोनों का ही बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसमें फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस इसमें ज्यादा है। और उसके साथ ही दोस्तों जब फसल की ज्यादा शाखाएं निकलती हैं, ज्यादा ब्रांचेज निकलती हैं, यानी कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अब दोस्तों बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, तो जितनी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें हैं जैसे प्याज टमाटर मिर्च बैंगन भिंडी लौकी तोरी सब में यूज किया जाता है। बागवानी में इसका यूज कर सकते हैं, अनार है, ग्रेप्स है, बनाना है, इन सब में इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही रबी खरीफ की फसलें हैं, गेहूं धान कपास वगैरह, इनमें आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ फूलों वाली खेती में भी इसका यूज किया जाता है, यानी लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसको फसलों में कब यूज करना चाहिए, तो जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए उस टाइम आप इसको यूज करें, फ्लावर से फल बन रहे हो उस टाइम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने इसका बेनिफिट में बताया कि जड़ों का ज्यादा विकास होगा तो पोषक तत्व ज्यादा अपटेक कर पाएगा पौधा, पौध और फसल हरी भरी रहेगी, तो उसके लिए आप फ्लोरिंग स्टेज में ही इसको यूज कर लें। जैसे फ्लावर्स आने लग जाए उस टाइम आप यूज कर लें, तो फ्लावर ज्यादा मात्रा में आएंगे, स्वस्थ आएंगे, फल बनेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ बनेंगे, और फल वगैरह की साइज अच्छी बनेगी, क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, तो इसलिए आप फ्लोरिंग स्टेज में ही इसका यूज कर लें, और जैसे ही फ्लावर से फल बने उस टाइम आप इसका यूज कर लें। अब दोस्तों इसकी परफेक्ट डोज के बारे में बात करेंगे कि इसकी परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए। सबसे बेस्ट और अच्छे रिजल्ट के लिए आप ड्रिप से चलाएं इसको, एक एकड़ के लिए चाहे किसी भी फसल में यूज करें 4 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप पानी में घोल करके मिक्स करके और पानी के साथ में आप चलाएंगे, यानी जड़ों में जाना चाहिए, रूट में जाना चाहिए। आप ड्रिप से चला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्प्रे भी आप कर सकते हैं, स्प्रे के लिए इसकी डोज रहेगी दोस्तों 20 लीटर की जो टंकी आती है, 20 लीटर की टंकी में 80 ग्राम आपको डालना है, मिक्स करना है और स्प्रे करना है, यानी 80 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे करना है।
लेकिन दोस्तों बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको ड्रिप से चलाएं। लेकिन यूज करने से पहले दोस्तों विशेष सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी फर्टिलाइजर, जैसा कि मैं हर वीडियो में कवर कर रही हूँ कि कोई भी फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो कम से कम 4 दिन का गैप आपको जरूर रखना है। इससे पहले किसान अक्सर 19-19-19 यूज करते हैं, या सेम फर्टिलाइजर भी आपने यूज किया तो उसके कम से कम 4 दिन बाद में आपको इसको चलाना है, और इसके यूज करने के 4 दिन तक आपको कोई अन्य फर्टिलाइजर नहीं देना है, नहीं तो फॉर्मुलेशन ही चेंज हो जाती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान जरूर रखेंगे। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सिर्फ इसी का यूज करें, सल्फेट या नाइट्रेट वाले किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में आप यूज ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान जरूर रखेंगे। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।